नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 28 सितंबर है साथियों, इस समय के इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें अपडेट्स। यहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल से जुड़ा मामला समय अभाव के कारण या न्यायालय स्थगन के कारण साथियों, जो कल की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल से संबंधित जो सुनवाई थी वो टल गई और जस्टिस फरजाद अली की एकल पीठ में सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई जो है 15 अक्टूबर को होगी। तब तक अंतरिम सूची पर जो है रोक जारी रहेगी। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। इसके बाद में अगले अपडेट में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले हेतु यहाँ पर विषय में जिला स्तर विज्ञान मेले 24-25 में विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु गूगल फॉर्म भरने के संबंध में ये अपडेट। विषयांतर्गत और संदर्भी पत्र अनुसार जिला स्तरीय विज्ञान मेले 24-25 आयोजन हेतु विद्यार्थियों के पंजीयन पर पत्र ऑनलाइन भरने के लिए लिंक RSCERT उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये लिंक उसका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इससे संबंधित अपडेट और फॉर्म अंग्रेजी में ही बना होगा और जिला स्तर का आयोजन 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 3 दिन तक और पंजीयन 4 अक्टूबर 12 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर EWS वर्ग में नियुक्ति देने के लिए यहां पर आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ANM भर्ती 2023 में कट ऑफ से अंधे अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने के मामले में नियुक्ति देने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस महेंद्र गोयल ने बबीता व अन्य की याचिका पर दिए। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान की मूल निवासी है, उसके पास EWS प्रमाण पत्र है, किंतु उसका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था, राजस्थान में उसकी शादी हुई है, इस कारण उसे नियुक्ति देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने इसकी पैरवी की थी। और जयपुर से अपडेट, राजस्थान के 2 नए जिले सबसे पहले होंगे। राज्य सरकार के इस आदेश से मिले बड़े संकेत, तो जानते हैं अपडेट। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए 17 नए जिले लेकर प्रदेश के सियासत गर्म है। 7 और जिले को यथावत जिला बनाए रखने के आदेश लेकर सुखराम विश्नोई के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में नए जिले गंगापुर सिटी और शाहपुरा से पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिले को आवंटित सरकारी वाहन मंगाने से खलबली मच गई। इस आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले इन 2 जिलों को रद्द कर सकती है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से नए जिले गंगापुर सिटी और सापरा के लिए पुलिस अधीक्षकों को वाहन आवंटित किए गए थे, जिसके बाद अब कार्यालय ने इसे आदेश करते हुए वाहन वापस भिजवाने का आदेश जारी किया है। और आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आदेश क्रमांक 8300 दिनांक 18 अक्टूबर 23 से वाहन जिला कार्यालय को आवंटित किए गए हैं। इसने कृपया दिनांक 30 सितंबर तक केंद्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर भिजवाने का श्रम करावे। और ये जो आदेश है 27 सितंबर का यानी कल का, वो आदेश जिले को आवंटित वाहन भिजवाने बावत ये आप देख सकते हैं। इससे संबंधी आदेश और दोनों जिलों में शोभा गया है अतिरिक्त चार्ज। इससे पहले कार्यवाह की ओर से जारी तबादला सूची में 22 IAS और 58 IPS अधिकारी को ट्रांसफर अभी थोड़े दिन पहले किए गए थे, जिसमें ममता गुप्ता को सवाईमाधोपुर के SP के साथ गंगापुर सिटी और धर्मेंद्र सिंह को भिलवाड़ा SP के साथ सापरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और सीएम के इस बयान के बाद चर्चाओं ने पकड़ा जोर। मुख्यमंत्री शर्मा ने यहाँ पर एक कार्यक्रम में नए जिलों को लेकर कहा था कि एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है और कितने संसाधन चाहिए उस पर चिंतन तो करना चाहिए था, बिना सोचे समझे जिले का फैसला लिया गया है। और अगले अपडेट में संविदा कर्मी की आत्महत्या के बाद उठने लगे सवाल। हाईकोर्ट में संविदा कर्मी की हत्या के बाद संविदा कर्मी ने उठाया आवाज। संविदा कर्मियों ने कहा आखिर कब तक संविदा कर्मी मौत को गले लगाएंगे। नियमितीकरण की उम्मीद में संविदा कर्मियों की जो है आस टूट रही है और अधिकारियों की लापरवाही कारण संविदा कर्मियों के संविदा रूल्स 2022 के तहत सर्जित नियमित पदों के सेवा नियम पिछले 9 महीने से कार्मिक वित्त विभाग में लंबित पड़े हैं, लेकिन अधिकारियों को संविदा कर्मियों की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। तो ये संविदा कर्मियों से संबंधित भी अपडेट। और एक और अपडेट उसी से संबंधित, प्रदेश सबसे अधिक संविदा कर्मचारी फार्मासिस्ट कैडर के हैं और अगर सरकार ने 12 वर्ष से लंबित भर्ती को पूर्ण नहीं किया तो फार्मासिस्ट कैडर से भी पीड़ित बेरोजगार फार्मासिस्ट की आत्महत्या यहाँ पर जैसी घटना सामने आ सकती है। राजस्थान फार्मासिस्ट महासंघ के दीपक कुमार छंगाड़ी ने विश्वजीत मित्रा ने बताया कि 12 वर्ष से लंबित फार्मा भर्ती को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाना चाहिए।
और आलोक राज चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीएचओ डीवी चिकित्सा विभाग 7 अक्टूबर से डीवी का प्लान कर रहे हैं और नोटिफिकेशन जल्दी ही इस संबंध में जारी किया जाएगा और प्रयास करेंगे और भी पहले डीवी शुरू करें, बीच में छुट्टियां हैं तो उससे संबंधित भी अपडेट आप देख सकते हैं। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।